सब्सक्राइब करें डॉक्टर शर्मा संजीवनी होम्योपैथी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के हेल्थ वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज बहुत संजीदे टॉपिक पे बात कर रहा हूँ जिसका नाम है डिप्रेशन या अवसाद। डिप्रेशन या अवसाद एक ऐसी समस्या बन गया है जो बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। और क्या है डिप्रेशन के लक्षण, डिप्रेशन के कारण क्या है और डिप्रेशन को के निवारण को के लिए हम क्या करें, इस वीडियो में इस टॉपिक में मैं इसी बारे में चर्चा करने वाला हूँ। मैंने कुछ समय पहले ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे जब मैं अपने कॉलेज के दिनों में था और आए दिन ऐसे एग्जांपल्स होते रहते हैं जिसमें आप सुनेंगे कि किसी ने तंग आकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, वो भी इसीलिए क्योंकि वो बार बार किसी सब्जेक्ट में फेल होता था। आए दिन हमारे आसपास ऐसी दुखद घटनाएं होती रहती है और ऐसी कई सारी घटनाओं की जड़ अवसाद या डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन आजकल एक कॉमन इलनेस हो गया है। आप इसे मानसिक रोगों का सामान्य सर्दी बोल सकते हो, मानसिक रोगों की सामान्य सर्दी, कॉमन कोल्ड ऑफ मेंटल इलनेस। जब से मैंने इस बात को समझा या इस बात को मैंने समझने की कोशिश की कि ये इस टॉपिक पे बात की जाए तो मुझे बहुत सारे रुझान मिले। मैंने इस बारे में पूछा भी था मेरे काफ़ी लोगों से, काफ़ी पेशेंट से, और उन्होंने बोला कि सर डिप्रेशन या अवसाद विषय पर आप एक वीडियो जरूर बनाएं। तो ये वीडियो डिप्रेशन पर ये है। डिप्रेशन होता क्या है, क्या है परिभाषा अवसाद की, समझते हैं। जीवन में कभी कभार यदि आप बहुत लो फील कर रहे हैं तो ये एक सामान्य बात है कभी कभार, लेकिन जब ये आपका एहसास बहुत समय तक बना रहे और आपका साथ ना छोड़े लंबे समय तक, कि आपको लो फील होना मतलब आपके अंदर से कॉन्फिडेंस ना है, तो ये डिप्रेशन या अवसाद कहलाता है। ऐसे में जिंदगी आपको बहुत ज़्यादा नीरस लगती है, आपको बहुत ज़्यादा खाली खाली लगता है। ऐसे में ना आपको दोस्त अच्छे लगते हैं, ना ही किसी काम में मन लगता है, लाइफ एकदम होपलेस लगने लगती है और पॉजिटिव बातें भी नेगेटिव लगने लगती है। कोई आपको पॉजिटिव बात करे तो भी नेगेटिव लगेगा। यदि आपको साथ आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। डिप्रेशन के सिम्टम्स और कारणों को समझने के लिए और उसका इलाज बताने के लिए ही ये वीडियो यहाँ पर है। हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी सफलता मिलती है तो खुशी होती है, तो कभी असफल होने पर हम दुख महसूस करते हैं। कई बार लोग छोटे मोटे दुख को भी डिप्रेशन का नाम देते हैं जो कि बहुत गलत बात है। डिप्रेशन नॉर्मल सैडनेस नहीं है, ये नॉर्मल सैडनेस से बहुत अलग होता है। इसकी जो परिभाषा है वो एक अलग स्थिति है, मैं उसको परिभाषा को आपको बताता हूँ। अंग्रेजी परिभाषा अलग है, मैं आपको हिंदी वाली परिभाषा बता रहा हूँ। अवसाद एक ऐसी मानसिक स्थिति या स्थायी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को उदासी, अकेलापन, निराशा, कम आत्मसम्मान और आत्म प्रताड़ना महसूस होती है। समाज से व्यक्ति कट जाता है और ऐसी स्थिति में जिसमें भूख भी कम लगती है और बहुत ज़्यादा नींद आने के लक्षण आपको नजर आते हैं, ये डिप्रेशन है। इसमें मैंने बात की उदासी की, मैंने बात की अकेलेपन की, मैंने बात की निराशा की, मैंने बात की आत्मसम्मान कम होना, मैंने बात की खुद को प्रताड़ित महसूस करना, मैंने बात की समाज से कट जाने की, मैंने बात की भूख कम लगने की। ये सारी सभी परिभाषाएं हैं। ध्यान देने की बात यह है कि आमतौर पर टेंशन या दुख जो होते हैं उनका अवसाद या डिप्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। छोटे मोटे दुख, तनाव, टेंशन ये चलते रहते हैं। अवसाद या डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या हैं इसको थोड़ा गौर से समझिएगा। यदि आपको ये जो मैं सिम्टम बता रहे हैं इनमें से एक से अधिक मैच करते हुए दिखें तो आपको समझ जाना कि आपको डिप्रेशन होने की संभावना है। या तो आपको नींद नहीं आती या आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है, आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और जो काम आप पहले आसानी से कर रहे थे उन्हें बहुत कठिनाई से करते हैं आप, ये सब डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। आप होपलेस हो चुके हैं,
हेल्पलेस फील करते हैं, आपको लगता है कि मैं बहुत निरीह हूँ, मैं बहुत निरीह प्राणी हूँ, मेरा कुछ हो नहीं सकता, मुझे बहुत मदद की ज़रूरत है, हेल्पलेस हो जाऊँ, तो ये डिप्रेशन का लक्षण है। आप चाहे कितनी भी कोशिश करें, आपके नेगेटिव थॉट्स को आप रोक नहीं पाते, डिप्रेशन का लक्षण है। या तो आपको भूख नहीं लगती, या आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में भूख लगती है, तो भी डिप्रेशन है। आप पहले से कहीं ज़्यादा इरिटेट होते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं और गुस्सा करने लगते हैं, ये भी डिप्रेशन या अवसाद का लक्षण हो सकता है। आप नॉर्मल से कहीं ज़्यादा शराब पीते हैं, आपको लगता है कि ज़िंदगी जीने लायक नहीं बची है और आपके मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं, यदि ऐसा है तो आपको इलाज की ज़रूरत है। डिप्रेशन और सुसाइड, ये संजीदा टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की वजह से व्यक्ति आत्महत्या करने तक की सोच रखता है। डिप्रेशन के दौरान व्यक्ति खुद को बिल्कुल असहाय महसूस कर सकता है, उसे सभी समस्याओं का हल अपनी लाइफ को खत्म करने की तरफ नजर आता है। यदि कोई आपसे आत्महत्या करने जैसी बातें करता है तो संभवतः वह डिप्रेशन से ग्रसित है, और वो सिर्फ आपको अपनी बात नहीं बता रहा है, बल्कि वो आपसे मदद के लिए चिल्ला रहा है, और आपको उसकी मदद करने के तरीके ढूंढने चाहिए, और आपको उसको बताना चाहिए कि आप डिप्रेशन के शिकार हैं। यदि आप खुद को ऐसा करते देख रहे हैं तो बिना देरी किए आपको भी एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। यदि आप इनमें से कोई बातों को देखते हैं और वो, तो समझ लीजिए कि वो एक तरह की आत्महत्या की चेतावनी हो सकता है। अपने आप को मारने या खत्म करने के बारे में यदि आप बात करने लग जाएं तो ये चेतावनी है। अचानक ही लोगों को गुड बाय करने के लिए या मिलने के लिए आप उससे मिलते हैं या उनको फोन कर देते हैं गुड बाय बोलने के लिए, समझ लीजिए ये लक्षण ठीक नहीं है। बिना वजह अपनी संपत्ति या अन्य वैल्यूएबल चीज़ों को औरों को आप देने लग जाते हैं, तो ये एक थॉट सही नहीं है। ऐसी भावना ये व्यक्त करने लग जाते हैं जिससे व्यक्ति बहुत ही असहाय और उलझा महसूस प्रतीत होता है, तो ये भी थॉट ठीक नहीं है। हमेशा मरने से संबंधित बात करना डिप्रेशन का कहानी है। डिप्रेशन बिल्कुल रहेगा, आप उसे कन्फर्म कीजिए और उसके बारे में परिवार से या संबंधित व्यक्ति से चर्चा कीजिए और उसे संबंधित जगह पर इलाज के लिए भेजिए। असामान्य व्यवहार करना, जैसे कि बिना वजह रेड लाइट जंप करना या ऐसी कोई भी हरकतें करना, ये डिप्रेशन का शिकार है। असामान्य बातें करना, जैसे मेरे ना रहने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, ये असामान्य बात है। अचानक एकदम डिप्रेस होना और फिर खुशी जाहिर करना, मतलब ये भी एक आपको लगता है कि आपको कोई फ्रेंड या आपका कोई रिलेटिव सुसाइड करने के बारे में सोच रहा है, तो तुरंत ही उसे प्रोफेशनल हेल्प आपको दिलवाना है। सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, फीलिंग के बारे में वो ओपनली बात करता है कि नहीं करता, इस बारे में आपको देखना है। आप उसके बारे में, उसकी फीलिंग के बारे में, उसके थॉट के बारे में उससे बात करें, क्योंकि ये चीज़ उसकी जान बचा सकती है। पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों में डिप्रेशन अलग अलग तरीके से होता है, इसके बारे में अवेयरनेस रखना बहुत ज़रूरी है, और समस्या को समय रहते समझ जाएं, सही तरीके से समझ लें, तो उसका निवारण करने में आपको मदद मिलेगी। पुरुषों में जो अवसाद होता है वो अलग तरीके का डिप्रेशन, पुरुषों में ऐसे ही महिलाओं की अपेक्षा कम निराशा और सेल्फ हेटर्ड देखी जाती है। वैसे तो पुरुष जो है वो थके से लगते हैं, ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाते हैं, नींद नहीं आती है, काम में मन नहीं लगता, जैसे शिकायत वो बार बार करते हैं। और अवसाद के कुछ और लक्षण उनमें मिलते हैं, जैसे कि गुस्सा ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाए, हिंसा हो जाए, लापरवाह हो जाए और ज़्यादा शराब पीने लग जाए। जिन पुरुषों में इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं उनमें डिप्रेशन की संभावनाएं बढ़ जाती है, या वो डिप्रेस हो चुके हैं। पुरुषों में आत्महत्या की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, महिलाओं में आत्महत्या की प्रवृत्ति कम होती है। पुरुषों में डिप्रेशन के केसेस कम होते हैं, लेकिन महिलाओं में केसेस ज़्यादा हैं। महिलाओं में अवसाद का कारण क्या होता है? महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा डिप्रेस होने के चांसेस हो सकते हैं डबल हों, लेकिन कुछ वजहें हार्मोन से रिलेटेड होती हैं। डिप्रेशन के का जो रिलेशन महिलाओं में होता है वो हार्मोन्स होता है, खासतौर से प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होता है, जिसमें माहवारी के पहले का लक्षण सिंड्रोम होता है, उसमें माहवारी के पहले जो तकलीफें होती है उस समय ऐसे तकलीफ होती है। प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्ट्रॉपिक डिसऑर्डर होता है, PMDD जिसको बोलते हैं, या पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है प्रेगनेंसी के बाद का, एंड पेरीमेनोपॉजल डिप्रेशन जो मेनोपॉज आता रहता है उस दौरान भी डिप्रेशन रहता है। महिलाओं में डिप्रेशन के लक्षण ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना, वेट बढ़ना, अपराध बोध होना और निराशा होने के रूप में आपको नजर आएगा। किशोरावस्था में जो डिप्रेशन होता है उसके थोड़े लक्षण अलग होते हैं। कुछ डिप्रेस्ड टीन्स
आपको समझ आ जाएंगे कि ये डिप्रेस्ड हैं। कुछ लोग डिप्रेस्ड दिखते नहीं हैं लेकिन ये चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि अवसाद का लक्षण है डिप्रेशन। यदि टीन्स में कुछ में तो दिखता है, कुछ में नहीं दिखता है, लेकिन वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। एक डिप्रेस्ड टीनेजर आसानी से क्रोधित हो सकता है, दूसरों से बुरा व्यवहार कर सकता है और उसे बिना कारण बदन में दर्द बॉडी पेन मिलेगा। बच्चों पर माता पिता द्वारा पढ़ाई के लिए डाला गया बहुत ज़्यादा दबाव और दूसरों से कंपैरिजन भी डिप्रेशन का स्रोत बन सकता है। यदि ऐसे टीन्स का उपचार नहीं किया जाए तो उनके उन्हें घर और स्कूल में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। ऐसे बच्चे आसानी से ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं और उनमें आत्महत्या की प्रवृत्ति भी आ सकती है, लेकिन मदद मिलने पर इसका इलाज तेजी से हो सकता है। उसे बिल्कुल आपको डॉक्टर को दिखाना है। ये एक संजीदा टॉपिक है, इसलिए समझें बातों को। बुजुर्गों में अवसाद आता है तो उनके भी लक्षण अलग होते हैं। इनमें वियोग की स्थिति उत्पन्न होती है, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, दूसरों पर निर्भरता बढ़ जाती है, हो सकता है इनकी इनकम कम होती है तो भी इनमें अवसाद हो सकता है। व्यक्ति को अवसाद ग्रहित कर सकता है यदि कोई बूढ़े व्यक्ति को, क्यों तो वो तब जब उनका एज होने के बाद इनकम कम हो जाए तो वो अवसाद में आ सकते हैं। ऐसे बुजुर्ग इमोशन से ज़्यादा फिजिकल प्रॉब्लम्स की ज़्यादा कंप्लेन करते हैं, वो इमोशनल प्रॉब्लम नहीं वो फिजिकल प्रॉब्लम ज़्यादा बताते हैं, इसलिए अधिकतर उनकी डिप्रेशन संबंधी समस्याओं पर ध्यान नहीं जाता है। एक्चुअली वो डिप्रेस होते रहते हैं पर हम समझते हैं कि ये तो फिजिकल प्रॉब्लम है और फिजिकल ट्रीटमेंट कराते रहते हैं। आए दिन तबीयत खराब होने की शिकायत करना एक डिप्रेशन का सूचक हो सकता है बुजुर्गों में। क्या क्या कारण हो सकते हैं डिप्रेशन के कि इन और इन कारणों को पता करके आप कैसे इन्हें समझ सकते हैं? तो लाइफस्टाइल आजकल बहुत मुख्य मुद्दा है। आपकी रिलेशनशिप, आप समस्याओं को किस तरह से हैंडल करते हैं, इन बातों को किस तरह से लेते हैं। यदि मैं ये बात भी बता रहा हूँ डिप्रेशन की तो उसको भी आप किस तरह से समझते हैं। ये भी कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिप्रेशन के होने के चांसेस को बढ़ा देते हैं, मैं उस बारे में आपको बता रहा हूँ। अकेलापन, सोशल सपोर्ट की कमी, वित्तीय समस्याएं, यदि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो भी आप डिप्रेशन में आते हैं। हाल ही में कोई तनावपूर्ण अभिनय अनुभव आपको हुआ है तो भी आपको हो सकता है डिप्रेशन। वैवाहिक या अन्य रिश्तों में आपकी खटास आ रही है तो डिप्रेशन हो सकता है। आपका बचपन बहुत अच्छा खराब नहीं बहुत अच्छा नहीं बीता खराब बीता है डिप्रेशन आपको रह सकता है। शराब या अन्य नशीली दवाओं का सेवन आप करते हैं तो आपको डिप्रेशन हो सकता है। बेरोजगारी की कंडीशन में है डिप्रेशन रहेगा। वर्क का प्रेशर है डिप्रेशन रहेगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन का सही कारण समझना उसके इलाज को आसान बना सकता है। यदि कोई अपनी नौकरी से परेशान होने की वजह से डिप्रेशन में जा रहा है तो उसके लिए किसी एंटी डिप्रेशेंट लेने की जगह किसी अन्य अच्छी नौकरी या रोजगार को ढूंढना ज़्यादा फायदेमंद होगा। यदि आप अकेलेपन की वजह से परेशान हैं तो दोस्तों के साथ वक्त बिताएं। यदि आपको लगता है कि दोस्त से आपका नहीं हो पा रहा है, काम नहीं चल पा रहा, तो आप अच्छी हॉबी स्टार्ट कीजिए और उसके लिए वो आपके लिए लाभदायक होगा। ऐसे केसेस में परिस्थितियाँ बदलने मात्र से डिप्रेशन या अवसाद से छुटकारा पाया जा सकता है। कैसे आप डिप्रेशन की से पार पाएँ तो वो समझते हैं डिप्रेशन का ट्रीटमेंट किस तरह से होता है। जिस प्रकार अलग अलग लोगों में डिप्रेशन के लक्षण और कारण अलग अलग होते हैं उसी प्रकार इससे पार पाने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। एक व्यक्ति के लिए कोई तरीका काम कर सकता है, दूसरे व्यक्ति के लिए कोई दूसरा तरीका काम कर सकता है या अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ज़्यादातर केस में इलाज की कोई एक विधि पर्याप्त एक तरीका नहीं है। यदि आपको खुद में या आपके किसी सूचकतक में अवसाद के लक्षण नज़र आते हैं तो ट्रीटमेंट जो ऑप्शंस हैं उसको आपको एक्सप्लोर करने में कुछ वक्त लगेगा। आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन कौन से तरीके हैं। इस मामले में आपको सोशल सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है, इस मामले में आपको लाइफस्टाइल या जीवन शैली बदलना का जरूरत पड़ सकता है, या आपको इमोशनल स्किल बिल्ड करना पड़ सकता है, या आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ सकती है। ये चार पांच तरीके हैं जिनमें आपको डिप्रेशन से आराम मिलेगा, आप मदद मान सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं या ऑलरेडी डिप्रेस हैं तो इस बात को छुपाना नहीं है। आप ना ही किसी से हीन भावना महसूस कीजिए, ना ही डिप्रेशन को किसी तरह से अंदर रखिए। एक कॉमन समस्या है, इसको आपको क्या करना है, पूर्णतः उपचार के लिए इसको छिपाना नहीं है। छिपाओगे तो इसको बढ़ावा मिलेगा। अपने घर परिवार में इसको डिस्कस करो और अपने अभिन्न मित्रों से इसके सलाह लो, मशवरा लो उनसे। और यदि कोई ना हो तो आप सीधे किसी साइकोलॉजिस्ट से भी मिल सकते हैं जिसकी वजह से आप डिप्रेशन से बच सकते हैं।
अपनी लाइफस्टाइल को आपको इम्प्रूव करना है, आपको रिश्तों में सुधार लाना है, आपको रोज व्यायाम करना है, सेहत से भरपूर भोजन करना है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज करना है, नकारात्मक सोच बदलना है, खुश रहने की कोशिश करना है, अच्छा म्यूजिक सुनना है, शांत म्यूजिक सुनना है, अपने आप को ग्रीनरीज हरियाली के साथ कॉन्टेक्ट मिलाइए, हरियाली उगाइए, हरियाली के बीच में जाइए, पहाड़ों में रहिए, ग्रीन जगहों में घूमिए, गार्डन्स में जाइए, सुबह जल्दी उठिए, इमोशनल स्किल डेवलप कीजिए। बहुत लोग तनाव को सही से डील नहीं कर पाते और भावुक हो जाते हैं। इमोशनल स्किल्स आपको विपरीत परिस्थितियों में अपना बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। इसके लिए आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट से संबंधित कोई शॉर्ट टर्म कोर्स भी आपको मिले तो वो कर लें। आप पेशेवर की मदद ले सकते हैं। यदि आप इन सब चीज़ों से बात नहीं बन सकती है तो आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो हैं उनकी हेल्प लीजिए। डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए कई प्रभावकारी तरीके हैं, कोई थेरेपीज हैं, बहुत सारी दवाइयां हैं, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट हैं, होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, एलोपैथी है, साइकोलॉजिस्ट हैं, आपके साइको काउंसलर्स हैं। एग्जैक्टली क्या तरीका यूज करना है ये आपके डिप्रेशन के कारणों पर डिपेंड करता है। इन बातों पर भी ध्यान देना पड़ेगा आपको कि डिप्रेशन शब्द का प्रयोग कम से कम कीजिए, क्योंकि ये शब्द का प्रयोग करते करते ही आप डिप्रेशन में चले गए। दूसरा, छोटी छोटी परेशानियों को भूलकर भी आप डिप्रेशन को मात दे सकते हैं। ऐसा करने से आपका अवचेतन मस्तिष्क जो है इस बात को घर कर सकता है और आपके सच जो सच में डिप्रेशन के मरीज बनने के संयोग आपके बढ़ जाते हैं। अच्छी चीज़ें पढ़िए, पॉजिटिव थॉट लाइए, पॉजिटिव वीडियोस देखिए, नकारात्मक सोच से दूर रहने की कोशिश कीजिए, नकारात्मक लोगों से दूर रहने की कोशिश कीजिए। इस बात को समझिए कि लाइफ में जब तक असफलता नहीं होगी तब तक सफलता का मोल भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए असफल व्यक्ति को हर एक चीज़ का को ये नहीं समझना चाहिए कि इसका अंत हो गया। क्या करें आप यदि कोई अन्य संकट में हो, कोई दूसरा व्यक्ति संकट में, यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिनको डिप्रेशन की वजह से कोई गलत कदम उठाने जा रहा है तो तुरंत उसके सगे संबंधियों का आगाह करें। परिवार की तरफ से मिली थोड़ी सी सहानुभूति किसी की जान बचा सकती है। उस व्यक्ति को कतई अकेला ना छोड़ें और उसे किसी ऐसे साइको काउंसलिंग वाले व्यक्ति को दिखाएं या साइको काउंसलर को दिखाएं या उसके हेल्पलाइन वाली मदद दे दें, ताकि ऐसे बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं जो अलग अलग सिटीज़ में होते हैं, जो साइको काउंसलर होते हैं, जो फ्री काउंसलिंग होती है वो भी होते हैं। आप नेट पर जाकर सर्च कर सकते हैं, फ्री काउंसलिंग के बहुत सारे नंबर्स हैं जहाँ पे कॉल करके आप काउंसलिंग ले सकते हैं फ्री में। ये हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं। तो आपको लगता है कि यदि कोई आपके आसपास है और इस तरह का व्यक्ति है तो उसे खाली नहीं छोड़ना है। उसे डिप्रेशन के कारणों के बारे में, उसके उसकी बातों के बारे में आपको समझना है, उसे पूरी जानकारी देनी है। जितनी जानकारी यदि आप चाहें तो इस वीडियो को उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं, उनके सगे संबंधियों को बता सकते हैं, उसे किसी ऐसी जगह पे भेज सकते हैं जहाँ पे इसका ट्रीटमेंट होता है, उसके प्रोफेशनल के साइको काउंसलर के पास या साइकेट्रिस्ट के पास में या हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से उसे बता सकते हैं। इनको अकेला ना छोड़ें। आपको अंत में केवल एक ही बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि यदि आप खाली हैं, यदि आपके पास कोई काम नहीं है, यदि आप अपने आप को बहुत देर तक खाली रखते हैं और आपका मन व्यथित रहता है, आप खुश नहीं हैं, तो भैया सबसे पहला काम ये करिए कि अपने आप को खुश रहने के तरीके निकालिए। वो तरीके वही वाले हैं जो आप अपने बचपन में किया करते थे। आप बचपन में मस्ती किया करते थे, बचपन में बहुत सारी चीज़ें किया करते थे, पेंटिंग करते थे, सिंगिंग करते थे, डांस था, स्विमिंग था। बचपन में की गई हर एक्टिविटी आपको डिप्रेशन या तनाव से दूर करती है और वही तो है जो आपका बुनियादी चीज है, बुनियादी सहारा था जिसको आपने जिया, भरपूर जिया। आपने अपने बचपन को भरपूर जिया था, लेकिन आप जब जवान हुए या जब आप बड़े हो रहे हैं, बुजुर्ग हो रहे हैं, 40 हो गया, 50 हो गया, 60, आप अकेले होते जाते हैं। आप केवल और केवल पैसे कमाने की होड़ या काम या सफलता और असफलता इसी के बारे में सोचते हैं। आप ये नहीं सोच पाते कि आपका परिवार भी है, आपके बच्चे भी हैं, आपकी फैमिली भी है, आपकी वाइफ भी है, आपके पड़ोसी पड़ोसी हैं, सगे संबंधी हैं, उनके साथ मुझे कैसा व्यवहार करना है और मैं खुद कैसे खुश रहूं। सबसे पहले आप खुद खुश हुई, सबसे पहले आप अपने पेट में खाना डालते हैं तो आपकी बॉडी चलती है, वैसे ही सबसे पहले आपके दिमाग का खाना है अच्छे थॉट, अच्छी सलाह, अच्छी सोच, अच्छे वीडियोस और अच्छे थॉट्स, अच्छा संगीत, अच्छी म्यूजिक, अच्छा मूवी, अच्छे लोगों की संगत,
एक या दो ऐसे दोस्त जिनसे आप बात कर पाओ, अपनों से बात कर पाओ, वक्त निकालिए उनके लिए, अपने काम को थोड़ा कम कीजिए और उनके साथ बात कीजिए, तो आप डिप्रेशन या उसकी जैसी समस्याओं से दूर हो जाएंगे। ऐसा ही ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इससे संबंधित इसमें जिस तरह की जानकारी दी गई है इसको एक दो बार देखिएगा तो आपको बहुत सारे फैक्ट क्लियर होंगे। हम इस तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे और लेकर आते ही हैं हमेशा। आपको अब बड़े वीडियो की सीरीज़ में बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स मिलेंगे, तो देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि आपने नहीं किया है, और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नया वीडियो बार बार मिलते रहे और आपको नोटिफिकेशन आते रहे, और उन लोगों तक जरूर भेजिएगा जो डिप्रेशन या अवसाद जैसी किसी तकलीफ के शिकार हो चुके हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।